लेकिन बार बार जब दोस्तों आने लगी तो फौरन मैं छत पर गया और देखा कि हमारे इस छोटे पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं परेशान हो गया कि ये क्या दरवाज़ा, तो यार मैं बंद करके गया था लेकिन किसी ना किसी तरीके से दोस्तों वो दरवाज़ा खुल गया और हमारा ये गोल्डन मुर्गी का चूजा बाहर है। आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं, ये देखें यहाँ से हॉर्न बजता है और ये थोड़ा थोड़ा आर्त भी मारता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले तो सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। तो फाख्ता और उसके बच्चे दोस्तों हमारे न्यू सेटअप में बहुत ही खुश हैं और अच्छी अच्छी उड़ान कर रहे हैं। कुछ फ़ायदा हो गया इनके लिए। फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों कि छोटे से पिंजरे में ये थे और सही से उड़ान नहीं कर पा रहे थे। इनकी इतना आदत नहीं थी ज़्यादा देर फ्लाई करने की, ज़्यादा ऊँची फ्लाई करने की। तो इस पिंजरे में दोस्तों ये फ़ायदा हुआ एक से दो दिन रखने का कि खुली जगह है ये और सही से ये उड़ान करेंगे, सही से फ्लाई करेंगे, इनके पर खुल जाएंगे। तो इस बात की दोस्तों मुझे बहुत ही खुशी है कि चलो जी कुछ टाइम के लिए फाख्ता और उसके बच्चे यहाँ रहेंगे और अपने आप को ठीक कर लेंगे। बाकी कबूतर भी दोस्तों हमारे इसी डरबे में रहे हैं, फाख्ता भी इसी डरबे में रही है, इसी हमारे मास्टर केज में रही है। कल की वीडियो में भाई कह रहे थे कि भाई आपने तो फाख्ता इधर रख ली है, जब आप अपनी मुर्गियाँ इसके अंदर बंद करेंगे तो ये ना हो कि फाख्ता उड़ के चली जाए जब आप मुर्गियों के लिए दरवाज़ा खोलें। तो दोस्तों आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। मैंने फिर क्या किया था कि मुर्गियों को इन खानों में, अपने छोटे पिंजरों में बंद कर दिया था रात के टाइम, ये वाले भी और ये वाले भी। ठीक है, ये फैमिली अलग है और ये दोस्तों अलग हैं। तो इनको दोस्तों अब हम खोलते हैं। सुबह के टाइम है दोस्तों, काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे खोलने में। तो ये जी दोस्तों इनको भी मैंने खोल दिया और ये वाले भी हमारे छोटे चूजे खुल गए हैं। तो कल दोस्तों रात को क्या हुआ कि मैंने इधर बंद किया था मुर्गियों को और तकरीबन रात के 1:30 बजे मैं जाग रहा था। क्या हुआ कि मुझे चूज़ों के चिल्लाने की आवाज़ आई। पहले मैंने इतना गौर नहीं किया लेकिन बार बार जब दोस्तों आने लगी तो फौरन मैं छत पर गया और देखा कि हमारे इस छोटे पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं परेशान हो गया कि ये क्या दरवाज़ा, तो यार मैं बंद करके गया था लेकिन किसी ना किसी तरीके से दोस्तों वो दरवाज़ा खुल गया और हमारा ये गोल्डन मुर्गी का चूज़ा बाहर था और हमारी एक असील मुर्गी जो ये वाली ठहरी है दोस्तों ये सामने, ये गायब थी। फिर मैं परेशान हो गया कि पता नहीं कहाँ चली गई दोस्तों। लेकिन जब दोस्तों मैंने उसको तलाश किया तो हमारी मुर्गी रात के 1:30 बजे पिंजरे से निकलकर यहाँ बैठी हुई थी। तो मैंने शुक्र अदा किया कि चलो जी बिल्ली नहीं उठा के गई, हमारी मुर्गी सेव है। तो खैर दोस्तों फिर मैंने मुर्गियों को बंद किया दोबारा और उसके आगे फिर क्लिप दे दी। तो हमारे दोस्तों मास्टर केज में भी इस टाइम धूप आ जाती है, 3 से 4 घंटे दोस्तों यहाँ पर धूप रहती है। तो हमें दोस्तों जल्द से जल्द पौधे लेने पड़ेंगे। आज दोस्तों हमने क्या करना है कि पौधे लेने जाना है। पौधे मैंने दोस्तों कहाँ से लेने हैं, मैंने 3 से 4 घंटों का सफ़र करना है। तो दुआ कीजिएगा दोस्तों कि मेरा सफ़र सही गुजरे और हम अपने मास्टर केज के लिए पौधे लेकर आएँ। तो एक और चीज़ दोस्तों, आपने भी मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने नहीं बोला कि ये चीज़ भी ज़रूरी है और वो बहुत ज़रूरी थी वो चीज़, हमने परिंदों के लिए बॉक्सेस बनवाना बाकी हैं। इस चीज़ का दोस्तों मैंने कभी जिक्र नहीं किया कि हमने बॉक्सेस भी बनवाने हैं। तो आज दोस्तों पौधे और बॉक्सेस दोनों में लेकर आऊँगा अपने परिंदों के लिए, अपने मास्टर केज में फिर उनको सेट करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पर रोकता हूँ मैं, ज़रा तैयारी शारी कर लें और फिर चलते हैं हम नर्सरी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों तैयार मैं हो चुका हूँ और अब हम जाने लगे हैं नर्सरी। काफ़ी लंबा सफ़र है दोस्तों, 3 से 4 घंटे मैंने सफ़र करना है। दुआ कीजिएगा कि अच्छा सफ़र गुजरे और हमें अच्छे से पौधे मिल जाएं। तो चलते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं नर्सरी। काफ़ी लंबा सफ़र था, सफ़र की वजह से थकावट तो बहुत हो गई है लेकिन क्या करें दोस्तों, हमने मास्टर केज के लिए पौधे तो लाजमी लेने थे। तो यहां पर दोस्तों बहुत ज़्यादा पौधे हैं, तो जो मुझे पसंद आएगा मैं अपने मास्टर केज के लिए लूँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों डिसाइड करने में। तो फाइनली दोस्तों पौधे हम ले चुके हैं, 8 से 9 दोस्तों मैंने पौधे लिए हैं। इंशाल्लाह दोस्तों ये जो पौधे हैं हमारे मास्टर केज को कुछ महीनों में कवर कर लेंगे और हमारा मास्टर केज ऐसे हो जाएगा जैसे एक बाग है। तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा कवर होने में। कौन कौन से दोस्तों पौधे मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये दोस्तों हमने ली है बेल, ये दोस्तों हमारे डरबे को फुल कवर कर लेगी। तो दोस्तों ये है, इसका नाम दोस्तों मुझे नहीं पता, भाई ने बताया था लेकिन मैं भूल चुका हूँ और इसका भी दोस्तों मुझे नाम भूला हुआ है। ये खूबसूरत लगेगा दोस्तों हमारे मास्टर केज में, खूबसूरती के लिए मैंने लिया है। और ये वाला जो दोस्तों,
ये देखें, ये भी मैंने खूबसूरती के लिए लिया दोस्तों। आपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों लाजमी बताना है कि आपको पौधे कैसे लगे हैं। और दूसरा दोस्तों, हमने ये वाले दो लिए हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं और मास्टर केज को हमारे ये भी कवर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये दोस्तों दो मनी प्लांट, ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा किरदार अदा करेंगे हमारे मास्टर केज को कवर करने में। तो दोस्तों अब सिर्फ रहते हैं बॉक्सेस, टाइम बहुत हो गया है, वापस हमने घर भी जाना है, 3 से 3.5 घंटों का सफ़र है। तो देखते हैं दोस्तों टाइम हमें मिलता है बॉक्सेस बनवाने का या नहीं मिलता। तो यहाँ से दोस्तों अब हम जाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नर्सरी का टूर बहुत ही अच्छा रहा है और अब इनको दोस्तों करना है हमने रवाना, गाड़ी करनी है एक, उसके अंदर ये आएंगे सारे पौधे। अब 3 से 3.5 घंटे का सफ़र है, अब हम घर को जा रहे हैं। उस टाइम दोस्तों मैंने आपको सिर्फ 7 से 8 पौधे दिखाए थे, लेकिन उसके बाद हमने दोस्तों कुछ पौधे और लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से पौधे और लिए हैं। ये मज़ीद हमने कुछ पौधे लिए हैं दोस्तों, और पीछे आप गमले देख सकते हैं, बड़े वाले गमले। अभी आपको दोस्तों इतना वाजे नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जल्द हम जब घर पहुँचेंगे तो आपको मैं फिर एक एक करके दिखाऊँगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हमने शीशे खोले हुए हैं तो यहाँ पर एसी वगैरह कुछ भी नहीं है। आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं, ये देखें यहाँ से हॉर्न बजता है और ये थोड़ा थोड़ा आर्स भी मारता है। आखिरकार हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा मसला हुआ था सफ़र में। क्या हुआ था दोस्तों कि हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। हम तकरीबन 7 बजे रवाना हुए थे शाम को और 3 घंटे का सिर्फ सफ़र था, 3 घंटे इतना तक लग जाता है। लेकिन दोस्तों 2 बजे रात के अपने घर पहुँचे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना एक्स्ट्रा हमें टाइम लगा है। बहुत ज़्यादा दलील किया दोस्तों, बीच रास्ते में हमारी ये गाड़ी ख़राब हो गई थी, धक्के लगाने पड़े, इतना ज़्यादा जलालत हुई दोस्तों मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा तंग हुए। तो खैर दोस्तों पौधे तो हम लेकर आ गए हैं, ये हैं हमारे पौधे, अब इनको लेके जाना है हमने छत के ऊपर। ये तकरीबन दोस्तों 13 से 14 पौधे हैं, एक एक करके दोस्तों हम छत पर लेकर जाएंगे इनको, और फिर ये गमले हैं इनके अंदर शिफ्ट करने हैं। जिन पौधों की ग्रोथ छोटे गमलों में नहीं होती, हम उनके लिए फिर बड़े गमले लाए हैं, कुछ और मज़ीद बड़े गमले भी लेंगे। फ़िलहाल अभी नहीं ले सके हम दोस्तों, जगह का मसला था, गाड़ी में इतना गमले नहीं आ सकते थे। तो अब दोस्तों इनको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं, जो होना था हो गया, तो चलें इनको शिफ्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी अभी ऊपर आया हूँ, जगह को सेट करने आया था कि सफाई थोड़ी सी कर लेता हूँ फिर गमले लेकर आऊँगा। तो दोस्तों जब मैं ऊपर आया तो मुझे एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मिली। खबर कौन सी है दोस्तों, जो हम अपनी कबूतरी के लिए कबूतर लाए थे वो कबूतर मरा हुआ है और हमारी कबूतरी भी दोस्तों गायब थी। दोस्तों दरवाज़ा खुला हुआ था और हमारा बेवफा कबूतर बाहर घूम रहा था, कबूतरी हमारी गायब है और हमारा एक कबूतर मरा हुआ है। बस दोस्तों मेरी गैर मौजूदगी में कोई ना कोई नुकसान लाजमी हो जाता है। ये मर गया है दोस्तों। मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि मुझे कबूतर रास नहीं है, जो भी कबूतर लेकर आता हूँ सारे के सारे चले जाते हैं। कल मैं इनको दोस्तों सही सलामत छोड़ के गया था, लेकिन आज दोस्तों अचानक इनकी मौत हो गई। एक हमारा कबूतर मरा हुआ है और मादा हमारी गुम है, पत्नी वो कहाँ पर है, सिर्फ बेवफा कबूतर बचा हुआ है। अभी मुझे हिम्मत नहीं हो रही दोस्तों गमले रखने की, क्योंकि दिल मायूस सा हो गया है। तो गमले दोस्तों हम बाद में रखेंगे, तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए।